तो अभी शॉप जस्ट बंद होने वाली थी और हम लोग आ गए हैं केक लेने के लिए। माँ एग भी नहीं खाती तो माँ के लिए जाएगा एगलेस। What's up everybody, we are back with another vlog and एक ही दिन में अगर दो दो इंट्रो शूट करने पड़े तो उसका दर्द सिर्फ एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। और अगर कोई यूट्यूबर देख रहा है तो उसको पता है कि एक ही दिन में दो दो इंट्रो शूट करने में कैसी, मतलब खुद को ही हंसी आती है। सो आपको वीडियो कैप्शन से पता लग ही गया होगा कि हाँ आज है मॉम का बर्थडे एंड बर्थडे को बनाएंगे बहुत ज़्यादा ही स्पेशल। कुछ मम्मी के लिए भी सरप्राइजेज हैं, आप लोगों के लिए भी सरप्राइजेज है, जो आपको सरप्राइज देने में उनको पहले ही बता देता हूँ। आज माँ के लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की हुई है, उसमें मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया हुआ है, लेकिन अभी बजे हुए रात के 12 एंड हम छोटा सेलिब्रेशन ना करें ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मॉम को पसंद है एगलेस केक, वो आपने क्लिप देखी होगी। लेट हो गया था मैं पहुँचने में क्योंकि उससे पहले हम बिजी थे शॉपिंग वगैरह में, तो अभी हम चलते हैं एंड ठीक 12 बजने में 2 मिनट है माँ को सरप्राइज दे देते हैं केक के साथ। चलो इसको ना तैयार होना होता है हर चीज के लिए। आप तैयार क्यों बेटा रात को? मैं टी शर्ट पहनी बस। जूटी रात के देख लो, रात के 12 बज रहे हैं। ठीक ये 10 मिनट आ गए केक की तैयारी। ओ माय गॉड, ये मॉम का फेवरेट केक है। यस, ये मेरी मॉम का क्राउन है और ये मेरी सेनोरिटा है। फोन आने शुरू हो गए हैं माँ के लिए, फोन आने हो गए हैं शुरू। चलो जी अंदर। Happy birthday to you, happy birthday dear mommy, happy birthday to you। और ये है हमारी प्रिंसेस। तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चला रहे हैं। सना सट्टे नहीं कह रही, बीच वाले लाइन है। हाँ सना सट्टे, हाँ हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बच्चों। जियो हजारों साल। ओह माय गॉड, मेरा मेकअप खराब कर दिया, मुझे करके आई थी। एंड हमें भी इतने प्यार देते रहो। अभी चलते हैं बड़े वाले राजे भैया के पास। पिछली बार वाला भी तुमने मुंह भांडा हुआ है, पिटोगी आज तुम? नहीं पिछली बार मैंने अंदर भांडा था, मैं बाहर भांडूंगी। हैप्पी बर्थडे भैया, भैया की तरफ से मैम कर दूंगी मैं हैप्पी बर्थडे भैया, सॉरी। तो ठीक है आज रात के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल डे हो गया आज, तो अभी हम कर लेते हैं चेंज, सो जाते हैं, कल सुबह मिलते हैं आपके साथ, पूरा रूटीन शेयर करेंगे, कितनी मस्ती करेंगे, क्या सब करेंगे, मॉम के लिए जो सरप्राइज़ है वो अभी हमने नहीं बताया, वो कल ही एक्सप्लोर करेंगे आपके सामने। तो मैंने माँ से एक क्वेश्चन पूछना था जो मैं भूल गया, तो वो मैं अब पूछ लेती हूँ। माँ। हाँ बेटा। माँ इस बर्थडे पे राजा भी आपके साथ है तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। भगवान मेरी उम्र भी इसको ही लगा दे, जितनी भी बच रही मेरी। जब विवेक और ये राजा छोटे छोटे थे ना, तो ये आपस में दोनों बातें करते रहते थे बैठे हुए। तो एक दिन राजा बोला कि यार विवेक हम प्लेन में कब बैठेंगे फ्लाइट में? तो विवेक कह लगा नहीं कभी तो बैठेंगे भैया। मैंने कहा अच्छा तो तुम मेरे लिए क्या लेकर आओगे? तो राजा ने बोला मैं आपके लिए चूड़ियाँ लेकर आऊँगा। और मैंने कहा विवेक तू क्या लाएगा? तो कह रहा मैं आपके लिए चप्पल लेकर आऊँगा। जैसे ये बात स्टार्ट हुई तो मुझे भी एक बात याद आ गई जो मैं सबसे शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई थी। मैंने एक नाइट व्लॉग में जिसमें राजा की नाइट रूटीन थी, उसमें एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है, वो शर्ट एक्चुअली में राजा भैया की, जो कि उन्होंने विवेक के लिए ऑर्डर करी थी, उनके बाद हमें 4 दिन बाद मिली थी। तो वो शर्ट विवेक को तो नहीं आई थी लेकिन वो तब से माँ ने संभाल के रखी थी, वो अब मुझे मिल गई है, तो आप बैग जाके उसमें चेक कर सकते हो। जिस चीज को वो दिन ने 4 दिन में अपना केक लगा दिया आपके ऊपर। मैं तो वैसे मुंह धोना था, मैं थोड़ा मेकअप भी कर सकता। वैसे भी आप आज नई टी-शर्ट खरीद के लाए हो। इतनी सारी टी-शर्ट लेके आए। ओ मैं भूल ही गई कहाँ रखी। देखो भाई कुडम नहीं पैसे दे ये लेके आए छोटे राजा के लिए। मैंने कहा ये भी बाबा की है।
पापा को आज हम लेके नहीं गए थे, पापा जानबूझकर लटक गए। दीदी कुछ कहना चाहोगी? जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा रही है। नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, तुम मेरी फिर मजाक बनाता है कि मैं लेक्चर देती हूँ। फिर हमारे फैमिली को शायद नहीं पता होगा, जो दीदी है वो मतलब जब भी व्लॉगिंग कैमरन के हाथ में आता दीदी जीडीपी की बात और ये बात, भारत की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल के बढ़ते दाम, टमाटर के गिरते दाम, इन बारे में बातें करने लगती है, इसलिए दीदी से कैमरन हम जो है थोड़ा दूरी रखते हैं। बाकी बात रही, मैं पापा का बहुत प्यार करती हूँ। पापा मैं आपका प्यार करती हूँ। मैं तो कुछ गड़बड़ कर रही हूं। आप मेरा प्यार करते हो? हां। ये दोस्त कोर्ट को लोड़ लो, जीत लो का मतलब क्या होता है? कोरो को लोड़ो वो जीतो वो, कोरो को लोड़ो वो जीतो वो। हां इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है आज माँ का बर्थडे है, विवेक ने रात बहुत लेट तक एडिटिंग करी, वो मॉर्निंग में ही सोया, तो मैंने सोचा ये मैं शॉट ले लेती हूँ। एंड हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि मैं एंड दीदी जा रहे हैं माँ के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने, जो कि किसी को भी नहीं पता है। एंड फिर हम लोग ने रात को एक छोटी सी पार्टी रखी है माँ के लिए, जो कि माँ को बिल्कुल नहीं पता है। हमने उनको बोला कि ठीक है करेंगे कुछ, लेकिन उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि हमने कुछ अपने दोस्त वगैरह और कुछ फैमिली मेम्बर को बुलाया रात के लिए। सो गाइज अभी हम लोग निकलते हैं एंड फिर मिलते हैं आके। और ये बर्थडे गर्ल का सामान है भाई, बर्थडे गर्ल का। हाँ भाई क्या क्या सामान है बर्थडे गर्ल का? यार तो बड़ा तगड़ा सामान है। और ये लड़की के ऐनक है, ओ भाई साहब। ये देखो झोला भर के आए हैं। अच्छा ये फ्रेम आया है, लड़कियां फ्रेम पकड़ो अम्मी सामने से, बस ऐसे। अभी हमारे पास यहाँ पर शेफ साहब आ गए हमारे। शेफ साहब क्या हाल है? मैंने इन सबको बुलाया था यहाँ पे कि आज पार्टी है, शाम को दबा के पार्टी करेंगे छोटी सी, लेकिन भाई भूख लगनी शुरू होगी। पीयूष भाई को पेट के थोड़े कच्चे हैं, तो अभी आमिर भाई को पकड़ लिया मैंने, तैयार है ये कोल्ड कॉफी। हेलो गाइस कॉफी पी लो। अमन भाई क्या पूछ रहे थे आप? हाँ जी वो कहीं दिखाई पड़ी। यार ये मेरा बहुत पक्का दोस्त है, ये मेरा बचपन वाला दोस्त है। और जस्ट खुशी एंड दीदी आने वाली है हमारे पास जस्ट दो मिनट में, उसके बाद मैं हो जाता हूँ जल्दी से रेडी एंड फिर हम लोग निकलते हैं बाहर। तो हमारा सारा काम खत्म हो चुका है एंड माँ का गिफ्ट हमने ले लिया, अब हम घर चलते हैं। बहुत डांट पड़ रही है, जल्दी बहुत लेट हो गए। तो सब लोग हो चुके हैं रेडी, थोड़े बहुत हम लेट ही हो गए हैं, तो बाबू आज रोई रोई कर रहा था। तो हमने रखी है बिल्कुल ब्लैक थीम, खुशी एंड बाबू ब्लैक, माँ ब्लैक विद रेड क्योंकि ये बर्थडे का, और यहाँ पे मोटो ब्लैक, पापा हैं जो हैं ब्लैक, मैं भी हूँ ऑल ब्लैक, मतलब ऑल ब्लैक मैंने नीचे ब्लैक डाला है। तो अभी हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी बाहर और चल के थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। हम फाइनली घर से निकल चुके हैं एंड टाइम दिया था 6 बजे का, तो ऑब्वियसली सबको पता है कभी भी टाइम पे कोई काम होता नहीं है। तो टाइम कितना हो रहा है बाबू? टाइम हो रहा है 8:26। अपना आ रहे बैठे, मतलब ऐसे बैठ गए टेबल पे, खाने ही आया टोटल। एक बात बताऊँ, तेरी भाभी तेरे से बड़ी है, चल जल्दी। बड़ी है तेरे से, बड़ी है तेरे से, छत जानती है देख लिए पैर चूस कर बाबू। अमन भाई बड़ी तो तेरे से भी, लेकिन तू प्रधान जी का लड़का इसलिए मैं तो फोर्स नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं। अरे एक बात है, टोटल ऐसे है 3,000 रिसेप्शन मारे हो किसी के। अभी सब लोग फोटो सेशन के लिए रेडी हैं, पहले करेंगे फोटो सेशन फिर करेंगे डांस वांस, थोड़ी सी मस्ती। एंड मॉम के लिए एक तकड़े वाला सरप्राइज, वो अभी तक माँ को हमने नहीं दिया है, तो जस्ट हम वेट कर रहे हैं सही टाइम का। लाइक लाइटिंग वाइटिंग कराइए बहुत मुश्किल से अरेंज यहाँ पे, क्योंकि रूफ टॉप है यहाँ पे, अरेंज नहीं हो पा रही थी लाइट। और यार आपके लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आंखों पे लगेगा, लेकिन आपका चश्मा ऑलरेडी लगा हुआ। क्या हुआ बेटा सीन आपके साथ? सीन क्या हुआ बेटा आपके साथ? ओह माय गॉड।
अरे यार अरे डैब डैब कर दिया तो डैब डैब यार ये क्या कर दिया मारा यार। अरे वाह भाई एंजल ने भी खिला दिया आपको। ओहो अब तो मम्मी पहचान में भी नहीं आ रही। लेकिन मम्मी क्या बन गया था भी आपका? भाई पता नहीं क्या बना गया था, मैं तो शीशे में तो देखा ही नहीं। यार सीआईडी करने बंद कर दो आप हमारे लिए। हम आपके पैसे हम पिछले 4-5 महीने से आपके पैसे नहीं दे पा रहे हैं। लॉकडाउन में पेमेंट भी नहीं दिए है। तो यार सीआईडी मत करो ना यार इतना। हां सैलरी सैलरी भी नहीं दे रहे हम लोग आपकी। देख हम बिना सैलरी के हम एक लड़की से अपनी मौसी से सीआईडी करवा रहे हैं खुले। हम क्या करें यार इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है इससे ज्यादा। अगर सैलरी देते तो क्या करते फिर? खाना लगने वाला भी नीचे चलते हैं। खुशी तो बिना बात की बात करेगी सर। अच्छा ठीक है बाबू। चलो फूल लेके आए आपके बहुत ही क्यूट गिफ्ट है आपके जैसे। हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे। मस्ती हमने बहुत की है। हाँ शूट थोड़ा कम कर पाए हैं पर मस्ती ओवरऑल काफी की है, सबने जम के की है। और ये देखो यहाँ चल रहा है राजा का फोटोशूट और ये अपनी गर्दन है कि डोरी की तरह इधर उधर हिलाए जा रहा है। बेटा फोटो क्लिक करा लो एक दो धोचे। इस व्लॉग का एंड करेंगे विवेक के आने के बाद। तब तक के लिए हम थोड़ी रेस्ट कर ले, चेंज वेंज कर लेंगे। हम लोग बहुत थक चुके हैं, बहुत टायर्ड हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताओ आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। एंड जाने से पहले एक और चीज कि अभी बच चुके हैं 12, जितना मम्मी ने मजा लेने था ले लिया, अब अगले साल ये मजा दोबारा आएगा। लव यू बेटा। थैंक यू। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब पैसे वापस दे दो। इतना खर्चा पर पता मुझे क्या बोल रही है। मैं तो धीरे से बोली, कह रही यार निशु वैसा तो ठीक है पर मुझे डिजाइन ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं चेंज कर लूंगी। तो हाँ जो मम्मी को जो कड़े मिले हैं गिफ्ट में उनका डिजाइन मम्मी को ज्यादा पसंद नहीं आया, तो कल मम्मी जाके परसों जब भी फ्री होंगी एक्सचेंज उनको कर लेंगी। सो अभी के लिए लव यू ऑल, गुड नाइट, अपना ध्यान रखे, पीस आउट। सो जैसे ये बात हुई मुझे भी एक बात स्टार्ट। सो गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे मेंढक सो रहा है। मेंढक है, मेंढक देखो खुशी, मेंढक देख लिया। अरे यार इसको नींद इसकी ऐसी नींद आती है। बंदर बंदर जैसे चिपक जा। एकदम करेगा जैसे बंदरी के बच्चे चिपक नहीं जाते, बंदरी को ऐसे चिपका। मैं बंदरी मतलब ये मेरा बंदर। नो इट्स ओके, अगर ये मेरा बंदर है तो मैं बंदरी बनने के लिए तैयार हूँ। खुशी जो है ये व्लॉगिंग नहीं जानती, करना जब ये खड़े होती हो ना। मैं ये मैं एक क्वेश्चन भूल गई थी अभी बताना, बताना ऐसे नहीं होती ना। देखो
हेलो तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना भूल गई खुशी। माँ यार परेशान कर रही है मुझे, देख लो ऐसे मेरे को तंग कर रहे हैं।